जी साहब, आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। तो एक गजल के कुछ मतलब मैं यहाँ पे सुनाना चाहूंगा। मुझको आदत नहीं, मुझको आदत नहीं कि अपने फसाने रुलूं, मुझको आदत नहीं कि अपने फसाने रुलूं, उसको फुर्सत नहीं है मुझको रुलाने से बता। मुझको आदत नहीं कि अपने फसाने रुलूं, उसको फुर्सत नहीं है मुझको रुलाने से बता। ये तो बस खेल था, ये तो बस खेल था, वो लुत्फ उठाता ही रहा। ये तो बस खेल था, वो लुत्फ उठाता ही रहा। हम तो बर्बाद हो गए थे मोहब्बत में बता, हम तो बर्बाद हो गए थे मोहब्बत में बता। थी दगाबाज ये बहार न मुड़के देखा, थी दगाबाज ये बहार न मुड़के देखा। लो हम भी चल पड़े हैं गम के ठिकाने को बता। और है नकाब खुद पहन के मुझको आईना न दिखा, नकाब खुद पहन के मुझको आईना न दिखा। सच भी हाजिर है पहले अपने बहाने तो बता। नकाब खुद पहन के मुझको आईना न दिखा, सच भी हाजिर है पहले अपने बहाने तो बता। मुझको आवाज दो, मुझको आवाज दो कि मुझ में कुछ तो जिंदा हो, मुझको आवाज दो कि मुझ में कुछ तो जिंदा हो। खुद को हम भूल ही बैठे तेरी शोहबत में बता, खुद को हम भूल ही बैठे तेरी शोहबत में बता। शोहबत शोहबत मैं खाने भर के शराबों में आज डूबा हूं, मैं खाने भर के शराबों में आज डूबा हूं। तेरा नशा क्या उतरता है शराबों से बता। मैं खाली भर के शराबों में आज डूबा हूं, मैं खाली भर के शराबों में आज डूबा हूं। तेरा नशा क्या उतरता है शराबों से बता। मेरे अश्कों को न बदनाम जमाने करना, मेरे अश्कों को न बदनाम जमाने करना। बहार है मगर मैं जख्म का करूं क्या बता। मुझको रहने दो अंधेरों में उजाले न दिखा, मुझको रहने दो अंधेरों में उजाले न दिखा। जहमत न उठा लफ्ज इशारों में बता। मुझको आवाज दो पर मुझको रहने दो अंधेरों में उजाले न दिखा। जहमत न उठा लफ्ज इशारों में बता। उठा ले जाम अपना रात यूं मदहोश न कर, उठा ले जाम अपना रात यूं मदहोश न कर। गुलाम करके आज तू भी रुलाएगी बता। धन्यवाद। बहुत अच्छा ये थी भूमन डांगड़ा जी। एक बात जो पिछले कई बार से दोहराई जा रही है फिर से दोहराना चाहूंगी क्योंकि ये जरूरी है। हमारे अंदर जो शायर है उसके पास उसका जहन है, उसके पास उसका दिल भी है, वो सोचता है, उसके पास एहसास है, उसके पास उसके ख्याल है, लेकिन वही बात अगर हमने उसे अटेंड नहीं किया तो क्या। अटेंड करने के लिए जरूरी है कि हम इन अ प्रॉपर मैनर हमें उस्ताद तलाश। अगर हम शायरी करना चाहते हैं तो अगर हमने अच्छा इसके अलावा हमने ये सोच लिया है कि फिल्म राइटिंग में या लिरिक्स राइटिंग में कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है तो ऐसा नहीं। सीखने के बाद जाहिर सी बात है जैसे तलफ्फुज की बात है, सोबत लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई बुरी बात नहीं है। आपके अंदर शायर और बेहतरीन शायर वो कितना भी आगे जा सकता है, कितना आगे भी जा सकता है जिसका अंदाजा आज शायद आपको खुद भी ना हो, लेकिन अगर उसे अटेंड नहीं करेंगे, अटेंशन नहीं देंगे तो फिर उसका नसीब ये है। बस इतना ही कहना था तो आपके लिए एक बार जोरदार